हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में। आप जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि अब का टर्म 2 में आने वाला है। और एट प्रेजेंट जो है वो हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूनिट चल रही है। डाटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए ये हमने कॉमन सीरीज लॉन्च की है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स का कोर्स जो है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आईपी के स्टूडेंट्स कुछ पार्ट जो है वो ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनकी क्लियरेंस जो है वो ज़रूरी है। और अगर आप अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। तो जब तक आपको बेसिक क्वेरी लिखनी नहीं आएगी, आप उसका एडवांस्ड पार्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। अभी जो है हमारा 13th चैप्टर चल रहा है, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बुक के अकॉर्डिंग देखें तो। और इस चैप्टर में जो है हम हमारी डीएमएल कमांड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हमने वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करवाई थी टेबल में, कि टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं। और आज जो है हम उसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि सिंपल वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करवाते हैं और जो हमारे एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें हम कैसे फुलफ़िल करवाते हैं। बट आज हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी टेबल में नल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, या फिर डेट फॉर्मेट में डाटा इंसर्ट करना है, या किसी दूसरी टेबल का डाटा अपनी टेबल में कॉपी करना है, तो वो सब हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, टू इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम यू कैन टाइप नल विदाउट कोट्स एंड नल विल बी इंसर्टेड इन दैट कॉलम। अब आप सबको पता है कि जो कैरेक्टर टाइप डाटा होता है वो हमेशा हम कोट्स में मेंशन करते हैं, और देखने में हमें ऐसा लगता है कि नल वैल्यू जो है, नल जो अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो भी एक कैरेक्टर टाइप का ही है। बट नल अपने आप में एक सिग्निफिकेंस वैल्यू रखता है और वो कैरेक्टर डाटा टाइप में इंक्लूडेड नहीं करते हैं हम। इसलिए जब हमें किसी कॉलम में नल एंटर करवाना होता है तो हम सिंपली जो है कैपिटल लेटर्स में NULL मेंशन कर देते हैं और उसमें हमें कोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिया गया है। आप चाहें तो इसे कैपिटल स्मॉल लेटर किसी में भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। बट आपको यहाँ पे कोट्स की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है, इंसर्ट इनटू EMPL, और EMPL टेबल के ये कॉलम्स की लिस्ट दे दी, डेट एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, देन वैल्यूज़, और फिर ये वैल्यूज़ इंसर्ट करवाई हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में देखिए, एट प्रेजेंट जो है वो मैनेजर को हमने नल रखा है और जो कमीशन था उसकी वैल्यू नल रखी है। तो जब हमने नल वैल्यू को इंसर्ट करवाया तो हमने इसे सिंपली नल टाइप किया है, किसी तरह के कोई कोट्स जो हैं वो नहीं लगाए। सी फॉर MGR एंड कमीशन कॉलम नल वैल्यूज़ हैव बीन इंसर्टेड। तो आई होप कि यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब टेबल में हमें नल वैल्यू एंटर करनी है तो वो हम कैसे करते हैं। अब क्योंकि हम हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली साथ साथ देखते हैं, तो इस पार्ट का भी प्रैक्टिकल जो है वो हम साथ साथ करेंगे। तो उसके लिए हम SQL का जो है वो कमांड लाइन ओपन कर लेंगे। तो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट जो है वो मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम पासवर्ड एंटर करेंगे। तो ये देखिए, आपका MySQL जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा डाटाबेस ओपन करना पड़ेगा जिसमें हमें काम करना है। तो हमारे पास दो डाटाबेस हैं, सैम्पल डाटाबेस और मैनेजरी डाटाबेस। लास्ट क्लास में जो है हमने सैम्पल डाटाबेस पे काम किया था, जिसमें हमने हमारी EMPL टेबल में जो है डाटा इंसर्ट किया था। तो हम सैम्पल डाटाबेस को ही आज ओपन करेंगे। तो यूज़ सैम्पल सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए, डाटाबेस चेंज हो गया। अब पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन कौन से टेबल हैं और किस टेबल में डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे वर्क करेंगे। तो शो टेबल्स कमांड की हेल्प से जो है हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं। तो ये देखिए, इस डाटाबेस में आपके पास चार टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट, EMPL, एम्प्लॉय एंड जॉब। अब इन टेबल्स में से किस किस टेबल में डाटा है, हमने लास्ट क्लास में जो है हमारी एम्प्लॉय टेबल जो थी उसमें हमने डाटा इंसर्ट किया था, तो हम उसे चेक कर लेते हैं। Select star from EMPL। तो
देखिए EMPL टेबल में आपके पास 5 रोज है। आप चाहें तो बाकी की टेबल्स भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई डाटा है या नहीं है। हम वन बाय वन जो है वो सब पे ये क्वेरी रन कर लेते हैं। पहले हम एम्प्लॉय टेबल के लिए चेक करते हैं। ये देखिए इस टेबल में भी हमारे पास डाटा है। अब हम डिपार्टमेंट टेबल के लिए चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल आपके पास एम्प्टी है और सिमिलरली जो आपकी जॉब टेबल है वो भी एम्प्टी है क्योंकि उसमें भी हमने कोई डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं किया था। तो आज की क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हम इन चारों टेबल्स पर ही जो है अपने क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमें और डाटा पे वर्क करना है तो हम सिर्फ EMPL या एम्प्लॉय टेबल को रेफर करेंगे और जब हमें डाटा इंसर्ट करना है तो हम कोई भी टेबल जो है वो रेफर कर सकते हैं। अब जब हमें टेबल में डाटा एंटर करवाना होता है तो सबसे पहले हमें टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सपोज हम EMPL टेबल में नल वैल्यूज इंसर्ट करवा के चेक करना चाहते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि EMPL टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। और ये स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो है डिस्क्राइब और डिस्क कमांड। ये सारी कमांड्स जो हैं वो हम प्रीवियस कई क्लासेस में पढ़ते आ रही हैं। तो आई होप अब तक तो ये कमांड्स जो हैं वो आपको टिप्स पर हो गई होंगी कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई होंगी। तो डिस्क्राइब EMPL, ये EMPL टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर है वो हमारी प्राइमरी की है। डिफॉल्ट वैल्यू किसी में एलोकेटेड नहीं है। जो एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी है उसे आप नल वैल्यू एंटर नहीं करवा सकते क्योंकि वो नॉट नल डिक्लेयर्ड है। सिर्फ कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर को जो है आप नल रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम हमारी EMPL टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हम कमांड क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, EMPL। अब EMPL के साथ हम चाहें तो कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी वर्क कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको पांचों कॉलम्स की वैल्यू देनी है और सेम ऑर्डर में वैल्यू देनी है तो आप कॉलम नेम स्किप कर सकते हैं। ये बात हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ से चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी बुक से या क्लास में स्टडी किया है तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी चैनल पे जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पे हमने बहुत बेसिक से लेके सारी वीडियोस कवर की हैं। वहाँ पर आप जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे आपके हर टॉपिक की अलग से आपको वीडियो मिलेगी। तो आप वहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कमांड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये कमांड्स क्या हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, तो वो चीज़ आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इंसर्ट इन टू EMPL, अब हम यहाँ कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारे कॉलम्स हैं EMP नंबर, कॉमा ई नेम, कॉमा सैलरी, कॉमा कमीशन एंड कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। अब इसके बाद हम वैल्यूज कीवर्ड मेंशन करते हैं और इसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज। अब एम्प्लॉय नंबर और ई नेम और सैलरी जो है वो तो नॉट नल डिक्लेयर है तो उसकी तो वैल्यूज जो है वो हमें देनी ही पड़ेंगी। तो हम एम्प्लॉय नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 109 हम एम्प्लॉय नंबर दे देते हैं। ई नेम हम कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। सपोज हमने टाइप कर लिया रणवीर। और सैलरी जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3500। इसके बाद कमीशन हम इसमें नल मेंशन कर देते हैं। तो नल हम कैसे मेंशन करते हैं, सिंपली विदाउट कोट्स हमने यहाँ नल लिखा। देखिए रणवीर जो कैरेक्टर टाइप था उसे हमने कोट्स में लिखा था लेकिन नल जो है वो हमने बिना कोट्स के लिखा है। डिपार्टमेंट नंबर देना है, डिपार्टमेंट नंबर हम यहाँ 10 दे देते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई और ये डाटा जो है आपकी टेबल में इंसर्ट हो गया है। तो अब अगर आप टेबल चेक करना चाहें तो हम सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम EMPL सेमीकॉलन एंटर। तो ये देखिए ये रो जो आपने इंसर्ट की वो यहाँ इंसर्ट हो गई है और आपका नल वैल्यू जो है वो स्टोर हो गया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी आपका जो ये सेकेंड रिकॉर्ड है 102 राज 3000 नल नल, तो इसमें भी आपकी नल वैल्यू स्टोर हैं।
बट जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो देखी है उन्होंने देखा था कि हमने इस टेबल में कैसे डाटा इंसर्ट किया था, तो उन्हें ये याद होगा कि यहाँ ये नल वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं किया था, बट हमने क्या किया था कि हमने सिर्फ 3 कॉलम्स की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की थी। तो जब वो वैल्यूज एंटर हुई तो बाकी के 2 कॉलम्स में ऑटोमेटिकली नल स्टोर हो गया था, बट यहाँ पर जो है वो हमने एक्सप्लिसिटली नल स्पेसिफाई किया है। अब सपोज आप किसी ऐसे कॉलम में नल एंटर करने की कोशिश करते हैं जिसे आपने नॉट नल डिक्लेयर किया हुआ है। ऑलरेडी हम ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि जिस कॉलम को आपने नॉट नल डिक्लेयर किया हुआ है उस कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। या तो आपने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई हो टेबल क्रिएशन के टाइम पे, और अगर उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई तो आप उस कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। बट अगर हम उस कॉलम में एक्सप्लिसिटली नल वैल्यू प्रोवाइड करें तो उस केस में जो है क्या होगा, तो उस केस में भी वो आपको एरर ही देगा क्योंकि जिसे हमने नॉट नल एलोकेट किया है तो उसमें नल वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज EMPL, इसके साथ हम कॉलम्स की लिस्ट दे देते हैं, EMP नंबर, ईनेम, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर, वैल्यूज। अब यहाँ वैल्यूज जो है हम मान लीजिए ईनेम को नल रख देंगे, ठीक है। तो अगर हम ईनेम को नल रखते हैं तो हम मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दे देते हैं 108 कोमा, और ई नेम हम दे देते हैं नल कोमा, इसके बाद जो है आपका क्या आता है सैलरी, सैलरी हमने यहाँ दे दी 3000, कमीशन हमने दे दिया 300, और जो आपका डिपार्टमेंट नंबर है वो हमने 20 मेंशन कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी यानी कि मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगी तो ये आपको क्या शो करेगा, एरर मैसेज। तो ये देखिए कॉलम ई नेम कैन नॉट बी नल, कि ई नेम कॉलम में आप नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। सपोज कीजिए अगर मैं इस नल को कोट्स के अंदर लिख देती हूँ तो उस केस में आपका क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें सेम क्वेरी कॉपी करनी होती है, जो हमने ऊपर जितनी अभी तक क्वेरीज एग्जीक्यूट किए हैं, अगर हमने उनमें से कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है दोबारा से, या हम अपना टाइपिंग टाइम सेव करने के लिए उन क्वेरीज को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो हम अप और डाउन एरो की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये जब मैंने 1 टाइम अप एरो की प्रेस की तो मेरी लास्ट कमांड जो है वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई। अब मैं इसमें जो है एडिटिंग कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, नल वैल्यू को कोट्स में एंटर करती हूँ। तो अब आप जरा एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, तो क्या ये मेरे को एरर शो करेगी या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहले एक बार थोड़ा सा सोचिए और आई थिंक आपको इसका आंसर जो है वो करेक्ट गेस करना चाहिए, क्योंकि हमने कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा और हमने नल वैल्यू के बारे में भी पढ़ा, तो दोनों का अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो यहाँ आप जो है डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और पहले आप सोचिए फिर वीडियो को प्ले करके आगे आंसर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। मैं एंटर की प्रेस करके इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो नल वैल्यू सक्सेसफुली एंटर हो गई, और जबकि हमने तो इसे नॉट नल डिक्लेयर किया था और अभी अबव क्वेरी में तो नल एंटर नहीं हो पाया था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पहले हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की उसमें हम नल वैल्यू एंटर करवा रहे थे, जो नल की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है यानी कि नॉट डिफाइंड वाली जो वैल्यू होती है वो हम एंटर करवा रहे थे। बट अब इस टाइम हमने क्या किया है, हमने उसे कोट्स के अंदर लिखा है, तो कोट्स के अंदर जो कुछ भी होता है वो आपके कैरेक्टर्स एज इट इज जाके हमारे डाटा में स्टोर हो जाते हैं, उनकी खुद की कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहती। आपने पढ़ा ही था कि अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर करवाने होते हैं तो हम वो भी एंटर करवा सकते हैं। तो क्योंकि सिंपली सिर्फ NULL एक 4 अल्फाबेट्स का सेट है, तो इसे आप ऑब्वियसली अपने डाटा में एंटर करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बट यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसे नल से कंपेयर करेंगे तो ये नल काउंट नहीं होगा। अब पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार डाटा शो करती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL सेमीकॉलन एंटर।
तो अब ये देखिए, अब आपके नेम में जो है वो क्या स्टोर हो गया, नल स्टोर हो गया, ठीक है। बट क्या ये जो एम्प्लॉय नंबर 108 है जिसका नेम नल है, तो अगर आप इसे इज नल ऑपरेटर से कंपेयर करोगे तो क्या ये नल आइडेंटिफाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिंपल कैरेक्टर सेट है, ये फोर कैरेक्टर्स हैं नल के, ये एक्चुअल नल वैल्यू नहीं है। हमने कोट्स में यहाँ पे नल डाला तो नल सक्सेसफुली एंटर हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन करने के लिए ये नहीं किया है, मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई है क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो गलती से हो सकता है आप नल वैल्यू को कोट्स में डाल दो और फिर आपकी वैल्यू तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी, तो फिर आपको लगेगा कि मैम ने तो हमें कहा था नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती अगर हमने कॉलम को नॉट नल डिक्लेयर किया है और हमने तो नल वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो ऐसा नहीं होता है, नल वैल्यू तब होती है जब आपने विदाउट कोट्स NULL टाइप किया होता है, सिंपल नल टाइप किया होता है। अगर आपने उसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मेंशन किया है तो वो आपकी नल वैल्यू नहीं रही, वो सिर्फ आपका फोर कैरेक्टर्स का सेट है NULL, ठीक है। तो अगर इसको आप इज नल ऑपरेटर की हेल्प से चेक करेंगे तो ये नल वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इज नल ऑपरेटर हमने पढ़ा था 12th चैप्टर में कि अगर हमें चेक करना होता है कि हमारा डाटा जो है वो नल है या नहीं है, और आपने इफ नल फंक्शन भी पढ़ा था जहाँ पे हम नल वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, तो अगर आप उन फंक्शंस को इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है क्या करेगा, नल को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाती हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ क्वेरी लिखती हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम इज नल सेमीकोलन। अब यहां पे आपकी क्वेरी जो है वो आपको क्या लगता है, क्या आउटपुट आना चाहिए? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, क्वेरी आपके सामने ऑलरेडी टाइप है कि हमें एम्प्लॉय नंबर और ई नेम जो है वो डिस्प्ले करवाना है EMPL टेबल से, लेकिन उस एम्प्लॉय का जिसका नेम जो है नल है, तो इस केस में आपका क्या आउटपुट आएगा? तो खुद से सोचिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद प्ले करके अब आंसर को वेरीफाई कीजिए। तो मैं जो है क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपको क्या मिला, एम्प्टी सेट मिला। एम्प्टी सेट क्यों मिला, क्योंकि आप जबकि आपने तो एक ई नेम जो है वो नल था, आपका जो ये एम्प्लॉय नंबर 108 है ये तो नल था, तो फिर यहाँ पे आपका ये इस नल से आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नल वैल्यू हमने कोट्स के अंदर डाली है और इसमें जो है ये नल वैल्यू है ही नहीं, ये सिंपली एक कैरेक्टर सेट है, तो यहाँ पे इसने अपनी खुद की नल वैल्यू जो होती है वो रिटेन नहीं की है। तो अगर आपने कोट्स की हेल्प से नल एंटर करवाया तो आप ये मत समझिए कि ये तो नॉट नल डिक्लेयर था, हमने इसमें नल एंटर कर दिया, वो सिंपल कैरेक्टर्स की तरह ऐड हुआ है, वो नल काउंट नहीं होता है। अब अगर आप चाहें तो इस पे अपना इफ नल फंक्शन भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको याद होगा कि इफ नल फंक्शन जो है वो क्या काम करता है। बल्कि इफ नल से पहले मैं आपको इज नल का एक और ट्रायल दिखा देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जिन्हें कभी इज नल ऑपरेटर ट्राई नहीं किया है तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पे नल लगा के ट्राई करती हूँ। सेम क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करूंगी, सेलेक्ट EMPL नंबर ई नेम और यहाँ मैं डिपार्टमेंट नंबर और ऐड कर देती हूँ, कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल, ठीक है। मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप पॉज करके जो है सोचिए कि जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। हमें एम्प्लॉय नंबर, नेम और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवाना है EMPL टेबल से, लेकिन सिर्फ उन रोज में जहां पे डिपार्टमेंट नंबर जो है नल है। तो आंसर को सोच के फिर वीडियो को प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिए। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, ये देखिए अब आपको क्या मिला, आपका ये जो सेकेंड एम्प्लॉय था राज, उसका डिपार्टमेंट नंबर नल था, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में जो है वो वाली डिटेल्स मिल गई। अब यही सेम चीज अगर आप कमीशन पे ट्राई करते, ऑब्वियसली अब हमें कमीशन भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर कमीशन इज नल, ठीक है। अब हम जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, तो
टेबल को देखिए, यहाँ पे आपके दो एम्प्लॉयज का कमीशन नल है, राज का और रणवीर, इन दोनों एम्प्लॉयज का कमीशन जो है वो नल है। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए आपको इन दोनों एम्प्लॉयज की डिटेल जो है वो मिल गई। तो इज नल ऑपरेटर जो है वो नल वैल्यू के लिए चेक करता है कि अगर जो हमने जैसे कमीशन इज नल चेक किया, तो जहां भी कमीशन की वैल्यू नल है वो आपको आउटपुट में शो हो जाए, और डिपार्टमेंट नंबर पे लगाया तो जहां डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू नल है, ई नेम पर अप्लाई किया था तो जहां ई नेम की वैल्यू नल है बट वहां पे हमें एम्प्टी सेट मिला, यानी कि हमारा कोई भी ई नेम जो है वो नल नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे जो है वो इफ नल फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, सेलेक्ट इफ नल ई नेम कोमा एडमिन, एडमिन को हम यहाँ कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है, फ्रॉम EMPL। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरा ये सोचिए कि जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर ये आपको क्या रिजल्ट देगी। इफ नल ऑपरेटर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ डिटेल में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इफ नल ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो बट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ कि इफ नल ऑपरेटर क्या करता है कि यहाँ पे आपने जो भी कॉलम नेम दिया है, जैसे कि हमने यहाँ ई नेम दिया है, तो ई नेम में जहाँ भी उसे नल वैल्यू मिलेगी वो उसे एडमिन से रिप्लेस कर देगा, यानी कि आउटपुट में आपको नल वैल्यू नहीं वहाँ पे एडमिन मिलेगा। तो अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर देखिए हमें सारे ई नेम जो है डिस्प्ले हुए हैं, बट ये देखिए आपका ये जो ई नेम नल था वो नल ही आपको यहाँ पे शो हुआ है, वो एडमिन से रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि वो नल है ही नहीं, तो इफ नल फंक्शन उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, वो सिर्फ कोट्स में एंटर हुआ है, तो वो सिंपल कैरेक्टर्स हैं। यहीं अगर आपने ये इफ नल फंक्शन कमीशन पे लगाया होता, सेलेक्ट इफ नल कमीशन कोमा 200, यानी कि जहां जहां कमीशन की वैल्यू नल है वहां 200 जो है वो स्टोर हो जाए। अब आपको पता है राज और रणवीर दोनों का कमीशन जो है नल था, तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या शो होगा, तो सेलेक्ट इफ नल कमीशन कोमा 200 फ्रॉम EMPL। यहां हम एक कॉलम और डिस्प्ले करवा लेते हैं, डेट इज ई नेम। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का कमीशन जो है वो नल नहीं दिख रहा। राज और रणवीर का कमीशन नल था, तो ये देखिए राज का कमीशन भी 200 आ गया और रणवीर का कमीशन भी 200 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला कि जहां जहां कमीशन में नल वैल्यू है वो 200 से रिप्लेस हो जाए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोट्स में जब नल लिखते हैं तो वो नल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हमें नल वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो वो हमें सिंपली विदाउट कोट्स टाइप करनी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि इंसर्टिंग डेट्स, कि अगर हमें अपनी टेबल में डेट्स इंसर्ट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं। डेट्स आर बाय डिफॉल्ट इंसर्टेड इन YYYY-MM-DD फॉर्मेट, यानी कि पहले आप फर्स्ट फोर डिजिट्स जो हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय अ हाइफन, फॉलोड बाय टू डिजिट्स मंथ, फॉलोड बाय अ हाइफन एंड देन अ टू डिजिट डेट। तो पहले फोर डिजिट्स ईयर के लिए, देन टू डिजिट्स मंथ्स के लिए, देन टू डिजिट्स जो हैं वो डेट के लिए। ऑल दिस इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, और ये जो है वो किसमें इनक्लोज्ड होता है, सिंगल कोट्स में। In the above two insert into statements given in previous section, the higher date has been given in same format. अब ये आपकी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि आप ये देखिए ये ऊपर जो हमने इंसर्ट कमांड इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसमें जो हायर डेट है ऑब्वियसली वो इस फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये 10-May-03, तो ये YYMMDD फॉर्मेट है, ना कि 4 times Y और फिर उसके बाद MM और DD। इनफैक्ट जो मंथ है वो भी इन्होंने एक्सप्लिसिटली मे टाइप किया हुआ है, लेकिन MySQL में जब हम डेट्स एंटर करते हैं तो यूजुअली जो डेट्स हैं वो हम इसी फॉर्मेट में एंटर करवाते हैं। तो ये हम मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ एक बार। अब ये EMPL टेबल में तो हमारे पास डेट टाइप का कोई कॉलम था ही नहीं, हम एक बार एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं।
DESC space employee सेमीकॉलन एंटर. तो यहाँ भी हमारे पास डेट के लिए कोई कॉलम नहीं है. हम जॉब टेबल चेक कर लेते हैं. अदरवाइज तो हमारा जो मैनेजरी डाटाबेस था जिसमें हमने पेट्स की डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ डेथ स्टोर करवाई थी, हम उसमें डाटा इंसर्ट करके जो है चेक करेंगे. बट हमें दूसरा डाटाबेस ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. ये देखिए जो हमारी जॉब टेबल है उसमें आपके पास जो है डेट टाइप फॉर्मेट में टू डेट्स हैं, एलोकेशन और ड्यू डेट. यानी कि ये जो जॉब टेबल है इसमें हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं. मैंने आपको अभी बिगनिंग में दिखाया था कि एट प्रेजेंट जो है जॉब टेबल एम्प्टी है, इसमें कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती. आप चाहें तो मैं दोबारा से इसे रन करके दिखा देती हूँ. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब. तो ये देखिए जॉब टेबल जो है एट प्रेजेंट एम्प्टी है. अब यहाँ पर ये देखिए इसमें हमारे पास 5 कॉलम है, जॉब आईडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, एलोकेशन ऑन ड्यू ऑन एम्प्लॉय आईडी. तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है कि पहले हमें जॉब आईडी देनी है कि उस जॉब की आईडी क्या है, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन देना है कि वो सेल्समैन की है या मैनेजर की है या एनालिस्ट की है, उसे कौन सा प्रोजेक्ट, उसे प्रोजेक्ट जो है वो कब एलोकेट हुआ है और उसकी ड्यू डेट कौन सी है और उस एम्प्लॉय की आईडी क्या है जिसे वो जॉब एलोकेट हुई है. तो यहाँ पे जो है हम डाटा इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट इनटू टेबल नेम डेट इज जॉब. हम यहाँ कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि हमें सीक्वेंस जो है पता है, तो हम इसी सीक्वेंस में डाटा को टाइप कर देंगे. सिंपली सीधा हम वैल्यूज पे आ जाते हैं. वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट. अब यहाँ पे पहले हमें क्या देनी होगी, जॉब आई डी जो कि इंटीजर टाइप की है. तो जॉब आई डी हम यहाँ दे देते हैं 21. ठीक है. जॉब डिस्क्रिप्शन हमें देना है तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका कैरेक्टर टाइप का है, हम यहाँ दे देते हैं सेल्स. एलोकेशन डेट अब हमें यहाँ देनी है. तो डेट जो है वो हम किस फॉर्मेट में देंगे, 4 इयर्स, 4 डिजिट्स में ईयर, देन 2 डिजिट्स में मंथ एंड देन 2 डिजिट्स में डेट, और वो भी कोट्स के अंदर. तो हम यहाँ दे देते हैं 2022, मंथ हम दे देते हैं 6 और डेट हम दे देते हैं 12. ठीक है. इसके बाद हमें एलोकेशन डेट देनी है. तो एलोकेशन डेट हम दे देते हैं फरवरी 12. ठीक है. और अब जो है हमें ड्यू डेट देनी है, तो ड्यू डेट हम अगेन कोट्स में प्रोवाइड करेंगे. तो 2022 यहाँ पे हमने 7th मंथ दे दिया और डेट हमने 12 ही रखी, -12 कोट्स क्लोज. लास्ट जो है हमें एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो एम्प्लॉय आईडी हम ले लेते हैं 101 राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकॉलन एंटर. तो ये देखिए ये रो आपकी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपकी टेबल में ये डाटा इंसर्ट हो गया. अब क्या हम इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में जो है डेट को प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल्स जो है वो करके दिखा देती हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको एरर मिलेगा MySQL में और किस फॉर्मेट में जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी. मैं टाइपिंग टाइम सेव करने के लिए ऊपर से क्वेरी जो है वो कॉपी कर लेती हूँ. हमने ले लिया इंसर्ट इनटू जॉब वैल्यूज. अब यहाँ पे हम जो है वो डिटेल्स चेंज कर देंगे. जॉब आईडी क्योंकि प्राइमरी की है तो वो रिपीट नहीं हो सकती, तो जॉब आईडी हमने ले ली 22. जॉब डिस्क्रिप्शन जो है हम ले लेते हैं यहाँ पे एनालिस्ट. एलोकेशन डेट हमें लेनी है. अब हम यहाँ 2 डिजिट्स में ईयर ले लेते हैं कोट्स में. 2 डिजिट्स में हम मंथ ले लेंगे और हमारी डेट जो है वो तो 2 डिजिट में होगी ही. इसके बाद हमें ड्यू डेट मेंशन करनी है. अगेन हम उसे भी 2 डिजिट्स में ले लेते हैं. कोट्स क्लोज. लास्ट में हमें एम्प्लॉय आईडी देनी है तो ये हम 102 ले लेते हैं राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर. तो ये देखिए क्वेरी ओके, 1 परफेक्टेड. यानी कि YY-MM-DD फॉर्मेट में भी आपकी डेट जो है वो परफेक्टली इंसर्ट होती है. तो ये देखिए आपका डाटा इंसर्ट हो गया, जबकि आपने सिर्फ 22 टाइप किया था, बट ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, 2022. अब हम देखते हैं कि क्या हम कैरेक्टर्स में टाइप कर सकते हैं या नहीं, जैसे आपकी बुक के अंदर दिया था. हम सेम क्वेरी कॉपी करते हैं. एम्प्लॉय आईडी हम ले लेते हैं 23. जॉब डिस्क्रिप्शन हम यहाँ ले लेते हैं मैनेजर. इसके बाद हमें एलोकेशन डेट लेनी है. एलोकेशन डेट हम ले लेते हैं 22 -March 2022.
हाइफन 11। इसके बाद ड्यू डेट लेनी है तो हम ड्यू डेट ले लेते हैं 23, कोट्स में ही लिखेंगे 23 हाइफन फेब हाइफन 11, कोट्स क्लोज। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी हम अगेन 101 ले लेते हैं, एंटर। तो ये देखिए इनकरेक्ट डेट वैल्यू 22 मार्च 11 फॉर कॉलम एलोकेशन ऑन एंड एट रो वन, और जहाँ पे उसे फर्स्ट एरर मिलता है वो वहीं पे रिटर्न कर देता है, इसलिए उसने सेकंड को चेक ही नहीं किया। तो अब ये देखिए कि यानी कि यहाँ पे ये जो इन्होंने डेट का फॉर्मेट दिया है ये मिसप्रिंट है, आपका माई एसक्यूएल जो है वो इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस किस फॉर्मेट में आप डेट जो है वो एंटर करवा सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए जो है वो काफ़ी हो गया है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए हैं। आज की क्लास में हमने यही पढ़ा कि नल वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं और डेट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आप इसके जो और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपके माइंड में आ रहे हैं उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर कोई ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर पाते हैं जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में नहीं करवाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है आगे आपके लिए वीडियोस बनाने में, नया नया कंटेंट लाने के लिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम जो है आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर सैम्पल पेपर्स, योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि टर्म टू के एग्जाम्स आपके 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारा सिलेबस जो है कम है, तो हम बहुत डिटेल में उसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम्स में जो है अच्छा स्कोर कर सको। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।